छोटी सी कट पीस दे रहा हूँ ताकि मेरा भी चक्र प्रथम हो जाए। कहना कटबीस कह रही है क्या? लेकिन उससे पहले फिल्मी तर्ज। और अभी भैया हम बोल देंगे कौन सी गाड़ी है भैया। हमारे प्रगति ट्रेडर्स दुर्जनपुर घाट हाथों से 201 रुपए आए हैं। केसरी चौहान जी सेमरा हाथों से 201 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साजवाद। आप हैं हमारे रोहित मिश्रा जी, आप तो सभी 201 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साजवाद। आइए एक कटपीस दे रहा हूँ। अच्छा, हमारे परम सत्य दादाजी की एक फरमाइश थी, मैं सोच रहा हूँ उसी को अभी चक्र में दे दूँ। इसके बाद बढ़िया बढ़िया से गीत मैं आपके लिए गाऊंगा। बिल्कुल सही। एक गीत उन्होंने भोजपुरी वाला गाया, अब हम भोजपुरी नहीं गाएंगे। अब हम भोजपुरी नहीं गाएंगे, ना बॉलीवुड गाएंगे, ना टॉलीवुड गाएंगे। अब गाना चलेगा पंजाबी। ये लोग टॉलीवुड जानते भी नहीं हो। हरियाणा वालों का, पंजाबी नहीं, हरियाणा वालों का। कहना क्या? मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, छोटे भाई यानी छोटे प्रधान जी की तरफ से ये 501 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साजवाद। गाना कह रहा है क्या? मेरे जी कर का छल्ला तू मेरी जान रे, आ तेरे ऊपर कर दूं सब कुछ कुर्बान रे, आ तेरे ऊपर कर दूं सब कुछ कुर्बान रे। कली मैं तुझे दादू पाजे बराजी बोले तो परंतु अगर मगर कल कल करती कालिंद्री कवि कलम की काविताई है, कुंजन की कली कोमल कहती जहां कड़कड़ किसन कनाई है। कन्हैया अपनी मैया से कह रहे हैं या? कि मैया मैं तो राधा से ब्याह कर रहा हूं। मैया ने कहा इतना छोटा है इतनी बड़ी राधा शादी करेगा, सारे जमाने में बदनामी हो जाएगी। और क्या बोले ना, ना? शादी तो मैं उसी से करूंगा। तो मैया समझा रही है, फिल्मी दुनिया वाले सॉरी हरियाणा वाले कह रहे हैं वही वाले मेरे जिगर का छल्ला। तो यशोदा माँ कह रही है संजय भैया मेरे मेरो तो छोटो लल्ला राधा जवान है, छोटा है। अब इनको कैमरे में कैद कर लो। हाँ
और एक फोटो हमको जरूर देना। कहना दादा मेरो तो छोटो लल्ला राधा जवान है। अरे क्या नाक कटवा देगा, बातें करेगा गोकुल हंसेगा जहान है। तो कन्हैया ने कहा तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है कान्हा है मुरली राधा मुरली कीर्तन है। मुरली है तो राधा मुरली की तान है। क्या बात है, कान्हा है मुरली राधा मुरली की तान है। पंची दादा कान्हा है मुरली राधा मुरली की तान है। कान्हा और राधा मैया दो जिस्म एक जान है। कान्हा और राधा दो जिस्म एक जान है। वाह, कान्हा और राधा मैया दो जिस्म एक जान है। तो काजी बोलिका, अरे काजी बोलिका, हाँ हाँ काजी बोलिका, जब मियाँ बीबी राजी तो माजी काजी बोल। अरे चुप जा पाजी, चुप जा, क्या बात कर रहा है। अरे चुप जा पाजी, तो कन्हैया करे ना कोई जाओ राजी। माने का चुप जा पाजी, ना ना हुई जाओ राजी, और माना करना राजी तो माजी काजी बोल। छोटे भाई सचदेवा शरारती जी की ओर से और जवाब इतना अच्छा आया है कि जवाब को ही जवाब दे दिया इन्होंने। वाह भैया लोग समझ रहे हैं, काफी मेहनत हो रही है मंडल में। गीत आप अपना बहुत अच्छा गाते हैं, अपना गीत आप बहुत अच्छा गाते हैं, मगर जवाब में थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं। कोई खतरे में है आज। लाजवंती कह रहे हैं आप पशु की बात कर रही हैं तो मैं पुष्पों की बात कर रहा हूँ। छोटे भाई फिर एक पुष्प लेके आए मदार। मदारी का फूल ये मदार मेरी तो लिखा पढ़ी में अभी तक मिला नहीं है, अगर आपकी लिखा पढ़ी में कहीं हो तो मुझे इसको दिखाना। सोचो इस पे थोड़ा सा विचार करना। रही आपने जो लाजवंती की बात की है उससे मैं सहमत हूँ, नीले रंग का पुष्प जो है आपने बताया ठीक है, मगर ये मदार के पीछे तुम जबरदस्ती पड़े हो। चलो बेटे क्या मतलब कानपुर में उगते हो, बाकी जैसा है बहुत अच्छा है। बिल्कुल बेटे कुछ कहूंगी नहीं ना बेटे ना। छोटे भैया मैंने कहा आ रहे हैं जा रहे हैं, किस वाहन पर बैठते हैं और जब घर जाते हैं तो होता क्या है, आपने बता दिया पुष्प चढ़ाते हैं तो क्या होता है। वाह चलिए ठीक है। और जो आपने टुकड़े का जवाब दिया है
सरहज के चक्कर में फंस गए जीजा। हाँ, बोल। शायद तुम सुन नहीं ठीक से रहे थे उस समय जब मैं गा रही थी। अरे बही गए जीजा, हाँ बही गए जीजा, ये बहे गए जीजा, हाँ बहे गए जीजा, साली के चक्कर माँ बही गए जीजा, साली की धार माँ बही गए जीजा, साली के प्यार माँ बही गए जीजा। तो छोटे भाई सचदेवा शरारती जी, सुनो लड़के, आपको ये बताना चाहिए था जवाब के रूप में कि आखिर भोलेनाथ जब गंगा की धार में बहे तो वो बहकर रुके कहाँ? कानपुर में रुके या लखनऊ में रुके या अयोध्या में? पूरा रुके कि नहीं रुके या अभी तक बह रहे हैं? और क्या, आप सरहज के पीछे पड़ गए। टीटू बुलेट लेके जाओ जल्दी अब, क्योंकि जवाबी का कार्यक्रम लगा हुआ है। बिल्कुल, अब वो नीचे से बुलेट है कर रहे थे। चलिए जैसा है बढ़िया है, बढ़िया सेटिंग है कि बुलेट धुआं दे रही बेटे। टीटू भैया ज्यादा अच्छी सेटिंग ना दिखाया करूं वरना मशीन वाले बुलेट की जगह तुमको फिट कर देंगे। थोड़ा सा प्रयास आपको बस करना चाहिए था कि आखिर भोलेनाथ रुके कि नहीं रुके। ये बुलेट मोबाइल फेंक रही है। चलिए जब बाकी जहाँ पर हमारे विद्वान श्रोता समाज बैठे हो वहाँ पर ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आइए, की ओर से बड़ा सुंदर सा टुकड़ा आया है, चलो समय मगर ये मदार बताना, ये मदार फूल जरूर दिखाना। दादा जी को भी हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। टुकड़ा बजा कौन सा बड़े और गाया है हरियाणा वालों ने क्या बेटे? अरे मेरे जिगर का छल्ला, तेरे लिए तो कर दूं जग कुर्बान है, तो मेरी नाजुक कली हो, मेरी नाजुक कली हो, मेरी गुड़ की डली, तेरे लिए मैं ला दूं पाजे राजी बोल जा, ओ राजी बोल जा। हरियाणा वालों ने गाया ओ राजी बोल जा, ओ राजी बोल जा, चढ़ी मैं तेरी ला दूं पाजे। तर्जा आप सभी की सुनी सुनाई है, ज्यादा समय नहीं लूंगी तर्ज के मामले में, सुनिएगा। सुनिए बड़ी सुंदर सी बात, कान्हा और राधा मैया, कान्हा और राधा मैया दो जिसमें एक जान है। सुनिए, मिला क्या क्या रति ने भगवान भोलेनाथ के सामने विनती की, और जब विनती की तो हुआ क्या, उनकी विनती को भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार किया, वही काम फिर से आए। निवेदन कर रही हूँ कि लिख के दे दिया करें ताकि बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस ना हुआ करे। आप क्या बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं है, आप फिर से बोलिए।
लिख लो इधर राजू टेंट हाउस। आपकी ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है, हृदय से धन्यवाद है। सुनिए सुनिए निवेदन आप लोगों से कर रही हूँ, आदरणीय दादा हमारे इंद्रजीत प्रधान जी से भी निवेदन कर रही हूँ। जब आपकी पंक्तियों को सुनिएगा कहना क्या बड़े? वही काम फिर से आए और कैसे कैसे? अरे छोटे प्रदुम्न लल्ला यहाँ, अरे छोटे प्रदुम्न लल्ला रति तो जवान है। लाइन से लाइन बिठा लेना, वहां प्रदुम्न छोटे हैं और रति जवान है। अरे छोटे प्रदुम्न लल्ला रति तो जवान है और जोड़ी जुड़ी अनोखी सुंदर छविमान है। फिर भी ईश्वर ने जोड़ी 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 एक लल्ला एक जवान। वाह। और छोटे भैया रति और काम यहाँ भी जैसे कान्हा और राधा। अरे रति और काम तो जिस्म एक जान है। और ये हमारे संजय भैया जी आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां बजा दे हमारे संजय भाई जी के लिए, हृदय से धन्यवाद है। सुनिए सुनिए जिस प्रकार कान्हा और राधा दो जिस्म एक जान, उसी प्रकार रति और काम भी दो जिस्म एक जान। वाह बेटे। तो कहना है रति और जिस्म एक जान है, एक दूसरे के पूरक एक दिल और जान है। सुनिएगा सुनिए तो मेरी बात कह रही है क्या? हमारे आदरणीय सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी प्रधान जी हमारे आर्य समाज मंदिर नवाबगंज, आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद मिला है, हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। सुनिएगा अपना गाना तो मजबूत होता है, मंच का प्रयास सुनिए। और क्या? एक दूसरे के पूरक एक दिल और जान है। सवाल बैठे तो सुनिएगा, निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से। इन्होंने कहा मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, मगर मैं कह रही हूँ क्या कि ईश्वर की मर्जी बिल, ईश्वर की मर्जी बिल। आदरणीय दादा इंद्रजीत जी से निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा। मियाँ बीबी धरे के धरे रह जाएंगे कि ईश्वर की मर्जी के बिन हिले ना ही पत्ता तो राजी हाजी बोली का। धन्यवाद है अगर ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर ईश्वर की मर्जी ना हो तो बारात दरवाजे से लौट जाती है। और तुम कह रहे हो मियां बीबी राजी, आपकी तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे जवाब लिखा, तुम्हारे मियां बीबी कानपुर में ही रह जाएंगे। बुलेट वापस चली जाएगी, ये बुलेट वही घुन घुन कह के रह जाएगी। तो ईश्वर की मर्जी बिल हिले ना ही पत्ता चाहे काजी हाजी बोली जा। और पत्नी पत्नी जुड़े ना ही उनकी मर्जी के बिना कोई कोई डोर नहीं जुड़ती है। तो कह रही हूं के पति पत्नी यहाँ हो चाहे राजी, पति पत्नी यहाँ हो चाहे राजी, ईश्वर बिन हाजी बोली का।
सच्चे दरबार की।